हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने असुर वेब सीरीज को फिर से रिविजिट किया और इस बार मुझे शो में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स और ईस्टर एग्स मिले जिन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन डिटेल्स में मैं कुछ मिथिकल स्टोरीज को भी डिस्कस करूंगा जिनका जिक्र असुर में किया गया है और ये डिटेल्स हमें इस शो को एक न्यू लाइट में समझने में भी हेल्प करेगा। अगर आपने मेरे चैनल पे असुर वेब सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाकर उसे देख ले ताकि आप इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को अच्छे से फॉलो कर पाए। मोरओवर, ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट और एक्सपेरिमेंटल होने वाली है, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो पे बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाए विथ लाइक्स एंड शेयर्स ताकि मैं फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस पे काम कर सकूं। इस वीडियो के रिसर्च का पूरा क्रेडिट सौम्या को जाता है, हु वॉज वेरी काइंड टू शेयर हर स्क्रिप्ट विथ मी। वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सनी फॉर द क्रिस्प एंड ऑरिजिनल एडिट। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहली डिटेल है द सिग्निफिकेंस ऑफ कटिंग द इंडेक्स फिंगर। असुर में किलर अपने हर एक विक्टिम के इंडेक्स फिंगर को काट लेता था और इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया था कि किलर के पिता हमेशा उसे इंडेक्स फिंगर दिखाकर डांटते थे जिससे किलर का गुस्सा इंडेक्स फिंगर पे फोकस्ड हो जाता था। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि हिंदुइज्म में, पर्टिकुलरली जैनिज्म में, इंडेक्स फिंगर जीवात्मा को सिंबलाइज करता है, यानी कि ये फिंगर इंसानों के अंदर रहने वाली आत्मा को दर्शाता है। तो जब किलर अपने विक्टिम्स के इंडेक्स फिंगर को काट लेता है तो ये एक तरह से इस बात को सिंबलाइज करती है कि किलर ने उस विक्टिम के सोल या फिर आत्मा को ही नष्ट कर दिया है। अब दूसरा डिटेल है अघोरियों का इंपॉर्टेंस। शो में हमें छोटे शुभ को कई बार अघोरियों के बीच देखा गया है और अघोरियों का इस शो में इनकॉर्पोरेशन एक इंटरेस्टिंग बात को सिंबलाइज करता है। असल में अघोरी साधु पोस्टमार्टम रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका इस शो में होना एक तरह से फॉरेंसिक साइंस को सिंबलाइज करता है जिसके चलते फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑटोप्सी का काम करते हैं। शो में अघोरियों का और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का होना एक पैरेलल येट कंपेरेबल डिटेल है जिन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग लाइट में देख सकते हैं, यानी कि एक ऑर्थोडॉक्स रिचुअल है तो दूसरा साइंटिफिक एडवांसमेंट। असुर वेब सीरीज में कली और कल्की के माइथोलॉजी को हेविली यूज किया गया है जहां किलर खुद को एक असुर मानता है और वो लोगों के मर्डर्स करके कल्की को अवतरित होने पे मजबूर करना चाहता है। असल में कली एक डीमन है जिसे कलियुग का राजा माना जाता है और कहा जाता है कि कली को मारने के लिए विष्णु अपना 10वां अवतार लेकर कल्की के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे और वो ईविल को डिस्ट्रॉय करेंगे। इस स्टोरी में हम शो में दिखाए गए एक और डिटेल को भी लिंक कर सकते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ धनिष्ठ नक्षत्र। शो में किलर धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को ही मारता था और इस बात का एक एक्सप्लेनेशन मैंने असुर वाले वीडियो में दे रखा था, विच वॉज कि धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग आगे चल के कुछ बहुत ही अच्छा और बड़ा काम करते हैं। लेकिन एक और बात ये है कि कहा जाता है कि कल्की का जन्म भी धनिष्ठ नक्षत्र में होगा और ये डिटेल इस बात को सिंबलाइज करती है कि किलर, जो कि खुद को कली मानता है, वो कल्की को डायरेक्टली चैलेंज करना चाहता है। माइथोलॉजी के हिसाब से दिति और अदिति प्रजापति दक्ष की बेटियां थी जिनका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। दिति के कोख से जन्मे सभी संतान असुर यानी दैत्य बने तो अदिति के सभी संतान देव बने और अदिति के ये पुत्र आगे जाकर दिति के सभी पुत्रों का विनाश करने लगे। अब अदिति और दिति के पुत्र सुर और असुर भिन्न नक्षत्र में पैदा होने के कारण बने और इस डिटेल का इस्तेमाल असुर वेब सीरीज में किया गया है जहां शुभ के पिता राधाचरण चाहते थे कि शुभ का जन्म देवों के नक्षत्र में हो, पर शुभ का जन्म असुरों के नक्षत्र में हुआ था। इस शो में एक इम्पॉर्टेंट सीन है जहां शुभ निखिल को एक कहानी बताता है और इस कहानी के हिसाब से माइथोलॉजी में तीन महाअसुर थे जो वेदों को फॉलो करते थे और घोर तपस्या करते थे। ये असुर अपने तपस्या से आकाश में तीन महानगर बनाते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल था।
असुरों के इन उपलब्धियों को देखकर देव जलने लगे और वो विष्णु जी के पास गए। जब तक असुर वेदों को फॉलो करते थे तब तक उन्हें मारना मुश्किल था, तो विष्णु जी ने छल करके असुरों से पाप करवाए और शिव जी ने एक तीर से असुरों के महानगरों को नष्ट कर दिया। असुरों के पीड़ा को देखकर शिव जी भी रोने लगे और शिव जी के आंसुओं से ही रुद्राक्ष के बीज का जन्म हुआ। यहाँ शुभ निखिल से पूछता है कि ये कहानी किस चीज के बारे में है, न्याय की, शौर्य की, पश्चाताप की या छल की। शुभ फिर समझाता है कि ये कहानी न्याय की नहीं है, क्योंकि न्याय वो है जब किसी पीड़ित के साथ कुछ अच्छा हुआ हो, और इस कहानी में पीड़ित देव नहीं बल्कि असुर थे। ये कहानी शौर्य की भी नहीं है, क्योंकि शौर्य तब होता है जब बिना छल के किसी को हराया जाता, और यहाँ विष्णु जी ने असुरों के साथ छल किया था। वैसे ही कहानी पश्चाताप की भी नहीं है, क्योंकि पश्चाताप से आंसू नहीं अनिर्भव मिलना चाहिए। तो कहानी किसकी है? इसका आंसर शुभ देते हुए कहता है कि ये कहानी उत्पीड़न यानी कि ऑपरेशन और हरासमेंट की है। इस कहानी में असुरों की गलती ना होते हुए भी उनसे गलत काम करवाए गए और बाद में उन्हें उसी गलत काम के लिए मार दिया गया। शुभ का मानना था कि उसकी कहानी भी उत्पीड़न की थी, क्योंकि उसकी गलती ना होते हुए भी उसके पिता उसे बचपन से ऑप्रेस करते आ रहे थे, और धनंजय यानी डीजे भी शुभ को छल से यानी उसके डेट ऑफ बर्थ को गलत बताकर शुभ को जेल जाने पर मजबूर कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू शुभ उसकी कहानी न्याय, शौर्य या पश्चाताप की नहीं है, बल्कि उसकी कहानी उत्पीड़न या फिर ऑपरेशन की है। असुर में हमने देखा है कि नागालैंड का किलर लाल, जिसने धनंजय की वाइफ को मारा था, उसके नेक पर एक टैटू था जो कि नागा ट्राइब का था। अब शो में इस टैटू के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिया गया है, पर असल में ये टैटू नागालैंड के चैंग ट्राइब का है। चैंग ट्राइब के लोग एक ज़माने में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हेड हंटर्स हुआ करते थे, यानी कि जो इंसान मैक्सिमम लोगों के गर्दन काट लेगा उसको ट्राइब का चीफ बनाया जाएगा। अब हेड हंटिंग तो खत्म कर दिया गया, पर इस टैटू का लाल पर होना एक तरह से इस बात को सिंबलाइज करता है कि मॉडर्न डे में भी लाल जैसे लोग हैं जो हेड हंटिंग के ट्रेडिशन से ताल्लुकात रखते हैं, और इसीलिए लाल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया था। इस शो में हमने एक बैलनीज मास्क को बार बार देखा है, और ये मास्क असल में बैरोंग मास्क है। बैरोंग मास्क डांसेस आज भी इंडोनेशिया में बहुत पॉपुलर है, और माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये मास्क यूज़ करने से स्पिरिट्स यूजर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये स्पिरिट्स यूजर के बॉडी में ट्रांसफ़र होकर उसके बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और वो फिजिकल वर्ल्ड को भी विजिट करते हैं। असुर में इस बैलनीज बैरोंग मास्क का होना इस बात को सिंबलाइज करता है कि किलर जब भी ये मास्क पहनता है तो ईविल उसके बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है, जिसके बाद वो लोगों को मारने लगता है। अब जैसा कि मैंने आपको असुर वाले वीडियो में बताया था कि शुभ का मानना था कि एंड इज द न्यू बिगनिंग, और इस बात को सिंबलिकली शो में इन्फिनिटी के सिंबल से दर्शाया गया है। इन्फिनिटी को संस्कृत में अनंत कहा जाता है, और असल में अनंता हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स अनएंडिंग एक्सपेंशन। इतना ही नहीं, अनंत विष्णु के कई नामों में से एक है, पर शुभ इस कॉन्सेप्ट को एक निगेटिव वे में समझकर एक ऐसा युग बनाना चाहता है जहां असुर राज करते हों। एक छोटी डिटेल ये भी है कि शुभ निखिल को जेल में शिव जी से कंपेयर करता है, क्योंकि निखिल शुभ की तरह काफ़ी सिंपैथेटिक था, ऑल्दो वो धनंजय को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ थियरीज और डिटेल्स जो माइथोलॉजी से रिलेटेड है और जिन्हें हमने असुर वेब सीरीज में देखा है। अब ध्यान रहे कि मैं यहाँ माइथोलॉजी टर्म का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग इसे माइथोलॉजी मानते हैं तो कई लोग इसे हिस्ट्री मानते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं कि आपके लिए ये माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है। मैं यहाँ अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। इस सीरीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इसकी कहानियों, पात्रों के हाव भाव को माइथोलॉजी से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड स्टोरीज भी जानने में काफ़ी रुचि है। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।